नमस्कार दोस्तों, क्या होगा जब आप इनकम टैक्स ई फिलिंग साइट में अपने पैन कार्ड के थ्रू फर्स्ट टाइम में रजिस्टर करो, और जैसे आप रजिस्टर करो आपको बाद में पता चला कि इस पैन कार्ड से पहले से ही एक अकाउंट रजिस्टर हो गया है, अकाउंट बन चुका है। ना आपने अकाउंट बनाया है और ना ही अपना पैन कार्ड किसी को दिया है, तो ऑटोमेटिक से आपके विदाउट परमिशन कैसे अकाउंट कोई बना सकता है। तो ऐसा ही केस मेरे साथ हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया है या फिर होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना है। मैं अपना पैन कार्ड ए वाला जो हाथ में लिया है कहीं पर भी किसी को भी नहीं दिया है और ना ही शो किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जब मैं इनकम टैक्स ई फिलिंग साइट में इसको रजिस्टर करता हूँ तो वहाँ पर बता रहा है कि इस पैन कार्ड के थ्रू तो पहले से ही अकाउंट बन चुका है। इसके बाद से मैं कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है यहाँ पर रजिस्टर हो गया है ऑलरेडी। मैंने उनको बताया कि मैं पहले से ही रजिस्टर नहीं किया है तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो लोग मुझे सजेशन दिया है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप उसकी ओटीपी के थ्रू इसको रीसेट कर सकते हो। तो मैंने ही ऐसा किया कि मैंने पहले से रजिस्टर हुआ है ये वाला पैन कार्ड, तो मैंने उसको रीसेट कर दिया है। आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कि कैसे रीसेट करते हैं। और रीसेट करने के बाद मैं एक नया पासवर्ड बनाता हूँ और उस पासवर्ड के थ्रू मैं वहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो एड्रेस है वहाँ पर शो हो रहा था। इस पैन कार्ड में जो नेम है पूरी डिटेल शो हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ किसी और का मोबाइल नंबर और किसी और का ईमेल आईडी भी शो हो रही थी। और एड्रेस सेक्शन में जाता हूँ तो किसी और का एड्रेस वहाँ पर शो हो रहा था, और जो स्टेट था वो था बिहार, बिहार का स्टेट वहाँ पर शो हो रहा था। तो फिर मैंने इसको किस प्रकार से उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी को हटा के मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी किस प्रकार से मैंने वहाँ पर लिंक किया है या फिर ऐड किया है, चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अगर आपने ई फिलिंग साइट से अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाके आप अपने जैसे कि ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें, तो आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पर जो भी पहले से मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। उसके लिए आपको एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपने न्यू ईमेल आईडी डालेंगे। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से कट कर देंगे, उस नंबर को डिलीट करके न्यू नंबर डालेंगे, यहाँ पर सेल्फ करेंगे और एक उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डिलीट करके अपनी एक न्यू ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी किसकी है, यहाँ पर सेल्फ करेंगे और इसके बाद से यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे इसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में दोनों पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी डाल के और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर योर कॉन्टैक्ट डिटेल आर अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप अपने इस अकाउंट में अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सक्सेसफुली। तो हमारी डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।